नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है मानविन कुमार के साथ स्पेशल इंटरव्यू की। हमारे साथ गौरव बिंदल जी हैं। हम आपको बता दें कि भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आइए जानते हैं आखिर इनके मोहल्ले में क्या कुछ हो रहा है। शायद कुछ ऐसा मसला है जिस पर इनकी एतराज है। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ मसला है, खासतौर से कुछ ऐसा पार्क वर्क का कुछ मसला बता रहे हैं? हमारे मोड़वन बाड़ में एक खान वाली जगह है। जी जी। उसमें काफ़ी सालों पहले खनन होता था। जी। मिट्टी निकाली जाती थी, उसके बाद क्या हुआ, मिट्टी रोक निकालना बंद कर दिया सरकार की तरफ से। फिर हमारी एमसीडी के द्वारा उस खान को भरवाया गया। अब हो क्या रहा है उधर, कुछ लोकल जो वहाँ के रहने वाले निवासी हैं, उन्होंने उस जब वो भरा गया तो उसी के ऊपर अपने इच्छा अनुसार पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, जिससे कि पर्यावरण वहाँ से ठीक हो सके और बच्चे खेल कूद सकें। लेकिन ये सब होता देखकर जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ जाकर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, और ये बोले जी हमने यहाँ पर फंड रिलीज कराकर ये पार्क हम बनवा रहे हैं। ओके। इस तरह से उन्होंने उस पार्क को प्रचार करके होर्डिंग वगैरह सब चीज़ लगाई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, उस पर स्टे आ गया। कौन है एमएलए? नरेंद्र शर्मा हमारे यहाँ से, उन्होंने ऐसा किया। कुछ दिन बाद वहाँ पर स्टे आ गया उस पर, उस जगह पर स्टे आने के कारण वो काम जो भी था वहाँ पर रुक गया। अब एमएलए साहब बोलते हैं हमारे कि हमारे जो बीजेपी के नेता हैं वहाँ भ्रम फैला रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस काम को रुकवाया है और वह स्टे लेके आए हैं। तो मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि विधायक जी, जब भी कोई सरकार या कोई एजेंसी फंड रिलीज करती है किसी भी पार्क के लिए, किसी के लिए भी, तो वहाँ पहले सभी तरह की एनओसी ली जाती हैं। ठीक है, चाहे डीडी हो, एमसीडी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी, सब तरह की एनओसी ली जाती हैं, उसके बाद ही फंड रिलीज किया जाता है। जब सब तरह की एनओसी आ चुकी हैं और किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये स्टे कहाँ से आया? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो इस तरह का एक भ्रम फैला रहे हैं क्षेत्र में कि ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए जो साजिश चल रही है कि बीजेपी ने ये काम रुकवाया, जबकि हमारे बीजेपी के मेयर वहाँ पर एक बार खुद दौरा कर चुके हैं उस पार्क का निर्माण करवाने के लिए, पूरे प्रयासरत हैं। हमारे एमसीडी सेंट्रल जोन के चेयरमैन भाई के शुक्ला जी पूरी नज़र बनाए हुए रखे हैं, वो भी जल्द ही वहाँ पर मेयर को लाकर, कमिश्नर को लाकर पार्क का जो विधिवत रूप से उद्घाटन कराना जा रहे हैं। तो यही मेरा कहना था कि विधायक जी हमारे अपने इस तरह की राजनीति बंद करें और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें, जिससे उसमें कुछ वहीं के निवासी हैं, वो उनका दावा आया है कि ये जगह हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, तो उन्होंने स्टे लिया हुआ है। तो मामला पार्क भी नहीं बन रहा, और लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने खास तौर से ये मसला को उठा दिया, जिसके कारण ये पार्क नहीं बन रहा। देखिए, पार्क की जो जगह है वहाँ के लोकल निवासी अपने हिसाब से पेड़ पौधे लगाकर और उसको वहाँ पर जो भी उनको घूमना होता है वो करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन विधायक जी हमारे वहाँ पर अपना राजनीति चमकाने के चक्कर में वो बोलते हैं कि जी ये पैसा मैं लगा रहा हूँ इधर और मैं इसको और ज़्यादा इसको अच्छा बना ये। लेकिन विधायक जी, क्या आप कोई बोर्ड वोर्ड भी लगाया है? हाँ जी, उन्होंने होर्डिंग भी लगाई है कि मैंने फंड सेंक्शन करा दिया है और जल्द ही इसमें बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक है, पब्लिक को भ्रम में रखकर कि वो स्टे ऑर्डर उस पर है। हाँ जी, ऑलरेडी स्टे ऑर्डर है। तो स्टे ऑर्डर जब लगा तो विधायक जी बोलते हैं जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लगवाया, वो विकास नहीं चाहते, तो इस तरह का वो राजनीति खेल रहे हैं वहाँ पर। लेकिन विधायक जी, क्या आसपास भी और कोई पार्क का डेवलपमेंट किया? विधायक जी का नाम है एनडी शर्मा जी, जिनको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट शर्मा जी। क्या बात है। तो उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, केवल जो हमारे विधायक रामवीर सिंह भदूड़ी जी थे उनके जो किए हुए काम हैं उन कामों की वो रिपेयरिंग भी आज ढंग से नहीं करा पा रहे, और या फिर जो फंड भदूड़ी जी हमारे जो पास कराकर चले गए थे उन्हीं कामों को आज वो पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, काम नहीं कर रहे हैं, केवल वो राजनीति कर रहे हैं जी, और राजनीति है। इसके अलावा टंकी रोड पर एक रोड था, 4.5 साल बाद अब वो कंप्लीट हो पाया है, उसमें भी ढंग से वो काम नहीं हो पाया, 4.5 साल तक रहते हुए भी वो उस रोड को भी नहीं बना पाए, और वहाँ की जो दुकानदार थे वो बेचारे अपनी दुकानों को या तो बेचकर चले गए या जो किराए पर थे वो खाली करके चले गए।
तो ये थी मानवेन कुमार के साथ स्पेशल इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।